कोरोना संकट को लेकर यूपी सरकार एक्शन में। कल से नाइट कर्फ्यू लागू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया, कहा लापरवाही पड़ेगी भारी, नियमों का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, यह सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। बीजेपी में आज अलग अलग दलों के कई नेता होंगे शामिल। पार्टी दफ्तर में जुटी भीड़ पर यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, तीसरी लहर रोकने के उपाय होने चाहिए। जन स्वास्थ्य पहले जरूरी है, जनता की जान पहले जरूरी है, बाद में राजनीति, लेकिन निर्णय इसमें चुनाव आयोग को करना है, फिर सरकार को। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त से की रैलियों पर रोक की अपील। चुनाव पर इलाहाबाद कोर्ट के सुझाव पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, कोर्ट का सुझाव दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य पंचायत चुनाव टालने की मांग की, कहा चुनाव जिंदगी से बढ़कर नहीं। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है, पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिर से लगी रोक, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। लुधियाना धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, पंजाब पुलिस के डीजी से ली मामले की पूरी जानकारी। पंजाब के लुधियाना ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिला, जिस शख्स की मौत हुई है उसके हाथ पर है खंडे का निशान, लेकिन अभी तक मरने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। कोर्ट में धमाके वाली जगह से जांच एजेंसियों को एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला, मोबाइल से सुराग की तलाश कर रही है फॉरेंसिक टीम। लुधियाना ब्लास्ट मामले में सीसीटीवी की जांच से मिली अहम जानकारी, मरने वाला व्यक्ति ही ब्लास्ट में शामिल था। वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं हर चीज से यही एविडेंस अभी तक यही आ रहा है कि वही आदमी ऑपरेट करने वाला था, उसकी अपने ऊपर ही कर। लुधियाना की जिला कचहरी को एनआईए और एनएसजी की टीम ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की, हत्या और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट को लेकर चन्नी सरकार पर सवाल उठाया, कहा चुनाव के ठीक पहले ये सब हो रहा, पंजाब सरकार कमजोर, आपस में ही लड़ रहे। चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। सर्वे में 41% लोगों ने माना पंजाब में सीएम चन्नी का कामकाज अच्छा, 27% लोग सीएम चन्नी के काम से खुश नहीं। पंजाब की चन्नी सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ किया, कैबिनेट ने दी मंजूरी, करीब 2 लाख परिवारों को होगा फायदा। 2 लाख तक का कर्जा जेड़ा क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा, ऐसे पैसे किसानों के खातों के विच पा देवांगे 10-15 दिनों के विच। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज करने पर जताई नाराजगी। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया, मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। यूपी के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर छापे में 150 करोड़ कैश बरामद, हिरासत में लिया गया कारोबारी का बेटा, छापेमारी के बाद इमारत सील। इत्र कारोबारी के यहाँ पड़े छापे को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, जवाब में एसपी नेता आशीष यादव ने संबित पात्रा को समाजवादी इत्र तोहफे के तौर पर भेजा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।